आज के लेक्चर को वेरी इंपॉर्टेंस बनाने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखना, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ को ये चुटकियों में करेंगे। कोई भी टॉपिक पूछ ले, ये देखते ही आंसर बताएंगे, ये होगा, ठीक है। देखते हैं, शुरुआत में कल हम लोगों ने देखा था सिग्मा 1s2 जब होता था तो इसके साथ एंटी बॉन्डिंग आता था, इसके आगे तुरंत इसके आगे सिग्मा स्टार 1s2 आता था कि नहीं, बोल। हाँ या ना? अगर आता था तो मतलब 1s2 means 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, देन इसके बाद 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आते थे और हम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला था, सुनना, यहाँ पे अगर मैं सिग्मा 2s2 लिखूं, एक बार लिख देता हूँ ताकि ये तुम लोग को भी दिख जाए फिर से, ये कल वाला है, इसलिए मैंने बोला सिग्मा या पाई लिखा लो, पाई 2p6 पाई स्टार 2p6। अब पाई क्या है, पाई स्टार क्या है, ये पूछोगे तब तो गया। पाई बॉन्डिंग है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है, कल ही बताया था। बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता था सर, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2 होता था। ये तक क्लियर होने चाहिए, अगर यहां तक क्लियर है तो सबकी सब कुछ क्लियर होने वाली है। अभी सुनना, मैं अगर थोड़ी सी बात करूं तो देखना, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1s2 में भरता हूँ, ये देखो ऐसे बनाऊंगा इस बार ये पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं आ रहा है पूरे लिखने तो कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में क्लियर होगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को मैं इधर लिखूंगा। अब दिमाग चलाना शुरू करना मीन्स, अगर मेरे को O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, O2 मीन्स सर ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 2s 16 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लेकिन हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने से बच सकते हैं। सुनना, दिमाग कैसे लगाते हैं, इधर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डाला, इधर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डाला, इधर में 1s सबसे पहले आएगा सर, तो 1s2 पहले बॉन्डिंग में, देन एंटी बॉन्डिंग आएंगे तो 1s2, ठीक है। 2s2, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में 2, 16 तक जाना है। 2p6, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 6 14, 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन डाला, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, 10 माइनस 6 बाई 2 मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2। बोल, इस तरह से आसानी से बिना ये लिखे आराम से कर सकते हो। अब बोलो, वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कल अपन ने पढ़ा था उसका कोनो यूज बाका, बोलना कोनो यूज है क्या, कोई यूज नहीं है, बस दिमाग में ये रखना है जितनी बॉन्डिंग उतनी ही एंटी बॉन्डिंग, तो जितनी बॉन्डिंग उतनी एंटी बॉन्डिंग, जितनी बॉन्डिंग उतनी एंटी बॉन्डिंग, जितनी बॉन्डिंग उतनी एंटी बॉन्डिंग कहाँ है सर, अरे तो जितनी बचेगी उतनी ही ना डालूंगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भीख मांग के लाऊंगा, दे दे भाई डाल रहे इधर में एंटी बॉन्डिंग में, ऐसा थोड़ी है। तो इस तरह से पुट करके इलेक्ट्रॉन की ईजी वे में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं किसी का? दूसरा एग्जाम्पल, अभी लिखना नहीं बिल्कुल, सुनना, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ N2 का समझाने के लिए। नाइट्रोजन 7 होता है तो 7 टू जा 14 इलेक्ट्रॉन, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो तुरंत के तुरंत, यहाँ हो जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा ए बी इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बोलो, बोलना। चलो अगर ये ठीक है तो 14 इलेक्ट्रॉन मतलब सर 1s2 2 एंटी बॉन्डिंग, 2s2 2 एंटी बॉन्डिंग, बोल। अच्छा चलो देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करना है, 6 बॉन्डिंग तो 0 एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, बोलना 10, एंटी बॉन्डिंग 2 तो बॉन्डिंग माइनस एंटी 4, 2 4 हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग बाई 2 बॉन्ड ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 3, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज 3। तुम ये पूरी लिख के निकाल लो या फिर इससे निकालो, दोनों से मेथड सेम आएगा। अभी लिखना नहीं है, मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, वो पॉइंट देखो इतनी आसान होगी, बोलोगे हाँ सर ठीक है, ये एक आसान तरीका हुआ, ये एक ट्रिक बनाने का तरीका हुआ, ठीक है। ट्रिक कैसे बना ये भी दिमाग में होनी चाहिए, ये नहीं कि ये ट्रिक है हो जानी चाहिए बस, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो तो 2 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन ऐसे सुनो, इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो ईजी। इसको आसान बनाने के लिए मैं एक मेथड अपनाया था, ऐसा कोई देगा नहीं जल्दी, सुनना। बॉन्ड ऑर्डर हम इसका अलग से निकाल लेते हैं, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालूंगा, सुनना, पहले इसको लिख लेना, फिर से बनाते हैं इसको लिखने के बाद घर पे आराम से लिखना, फिर से हम लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन O2 का हम लिखने से आते हैं, इसको और शॉर्टकट बनाने के लिए फिर से ऐसा ही लिखेंगे फिर से दोबारा, क्योंकि इसको अब चेंज करने वाले हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं अकेले निकालूंगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 माइनस 2 बाई बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 0 हो जाएगा, बोलो, बोलना हाँ ना, चलो ठीक है। इसका निकालो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 बाई 2 सर 0, क्या बात,
चलो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 6 - 2/2 मीन्स 2, मीन्स तीनों के बॉन्ड ऑर्डर को ऐड कर लो तो 2 आ जाएगा, मीन्स ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर 2, मीन्स हम लोग एक साथ सबका नहीं निकाल के अलग अलग निकाल के अगर ऐड कर लेते हैं तो भी बॉन्ड ऑर्डर उतना ही आएगा। बोलोगे सर ये तो यही आसान था, अलग अलग निकालने पे और टाइम वेस्ट होगा, मैं बोलूँगा इसमें कुछ ट्रिक आने वाला है। क्या आने वाला वो देखना, अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होने वाला है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का शुरू में मैं 0 कर दूंगा, बाद बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स का ही बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा, ठीक है। मींस यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ सुनना, जैसे ये लिखने के बाद इसी, ये ट्रिक नहीं हुआ अभी, अभी ट्रिक बनते जा रहा है देखना, अभी आगे देखते जाओ कितने अच्छे बनते जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 0, क्योंकि 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 0, अगले 4 के वजह से भी 0। मींस अगर मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो सर 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 0 होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड ऑर्डर मैं कैलकुलेट ही नहीं करूंगा। बोलना कैलकुलेट करना जरूरी है क्या, 0 बॉन्ड ऑर्डर किसी और बॉन्ड ऑर्डर में ऐड करके कुछ पाल लोगे क्या घंटा? तो यहां पे 4 माइनस कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स की हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालनी ही नहीं है, ठीक है। आगे की 4 इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से 0 होने वाला है, तो आगे का 4 इलेक्ट्रॉन और खत्म कर दो, हटा दो, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच गए। हम 1s का खत्म कर चुके हैं, 2s में भर चुके हैं, 2s ऑर्बिटल में भर चुके हैं, 2p ऑर्बिटल में भरने हैं। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 इलेक्ट्रॉन नीचे और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भरते हैं, यही करते हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भरते हैं, सुनना। तो हम लोग आराम से 6 - 2/2 कर सकते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3। ये हुआ ट्रिक। अब जाके ट्रिक आया, जैसे मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या थी यहाँ पे 16 थी, 16 में से मैं 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर निकालता भी हूँ, सुनना, 4 के वजह से 0, अगले 4 के वजह से भी 0, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा ही नहीं। मीन्स अगर मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं 8 का तो बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा ही नहीं, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन का निकालने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन का नहीं निकाला, सुनना, दिमाग में इसी चीज को सेट करना है, सेट किया तुरंत आंसर आएगा, सुनना। अगर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन के वजह से 0 होता है मैं जानता हूं, तो सॉल्व भी नहीं करूंगा, 8 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूंगा उसमें से, और जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इलेक्ट्रॉन अब 2p में आ गया, ये 1s का था, ये 2s का था, ये 2p का था, बोलो ये 1s का था, ये 2s का था, ये 2p का था, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और जो बच गया वो एंटी बॉन्डिंग। अब 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग सर, अगर मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बच रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, बाकी सारा एंटी बॉन्डिंग कर लोगे। अब यही इतना ही ट्रिक है, अब इसको जितना जल्दी जल्दी तुम लोग कर लो उतनी ही आसान होने वाली है, सुनना मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे चलो। यहाँ पे ये एग्जांपल लिख लेना, इसके बाद अब सुनना आप कितनी आसानी से मैं करके देता हूँ, और बिल्कुल ही फड़फड़ाना नहीं है, 2 मिनट का मौन धारण करो, मैं सॉल्व करके देता हूँ 4-5-6 एग्जांपल, सुनते जाओ। अगर मेरे पास N2 है, बॉन्ड ऑर्डर निकालें सर 14 में से मैं 8 माइनस करूंगा, क्यों? 8 के वजह से 0 हो रहा था, बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 नीचे 0 ऊपर, तो 6 - 0/2 दैट इज इक्वल टू 3 बॉन्ड ऑर्डर। चलो F2 की बात करें, F2 इज 18, फ्लोरीन का 9 होता है इलेक्ट्रॉन्स, 9 - 18 में से मैं सर 8 माइनस करूंगा, क्यों? क्योंकि 8 की वजह से बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता है सर, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ सुनते चलना, 8 माइनस करूंगा 10 आएगा, 10 में 6 नीचे बाकी ऊपर, 6 नीचे तो बाकी कितने हैं 4, सॉरी 1, बॉन्ड ऑर्डर 1। चलो O2 2 माइनस इज 18, अब 18 को बॉन्ड ऑर्डर 1 होने जा रहा है तो फिर 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होने जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम देन बॉन्ड ऑर्डर इज मस्ट बी सेम, ठीक है। तो 18 है, 18 में से 8 माइनस करेंगे सर 10 आने वाला है, 10 में से 6 नीचे बाकी सारा ऊपर बाई 2 1। चलो यहाँ पे B2 करते हैं, B2 B मतलब बोरोन, बोरोन का 5 होता है, 5 × 2 = 10, 10 में से भी 8 माइनस हो सकता है सर, तो 2 बचेंगे, 2 में 6 नीचे जाते हैं तो 6 में 2 ही बचा है तो 2 ही नीचे बाकी 0 ऊपर, ये हो जाएंगे 1। अगर मेरे पास C2 है, C2 मीन्स 12, 6 होता है ना कार्बन का, 6 × 2 = 12, 12 में से 8 माइनस करेंगे सर कितने बचेंगे 4, 4 में से चारों नीचे क्योंकि 6 नीचे अटते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन नीचे मीन्स मेरे पास 4 ही है, 4 नीचे बचा 0 ऊपर। अब थोड़ी सी बातें ये 8 माइनस वाली, अब थोड़ा सा 8 से कम वाला ले लेते हैं, सुनना मैं ले लेता हूँ Li2 सर, लिथियम
लिथियम 3 होता है, लिथियम 3 टू जा 6। अब बोलिए 6 में से 8 माइनस कहाँ से करेंगे, करके देखिए, नहीं हो पाएगा सर। कोई गल नहीं जी, हम 6 में से हमारे हमारे पास क्या है, सुनना, यहीं पे आके फंस जाता है मैटर। बाकी सर लोग ने ठीक सिखाया, सब कुछ सही गया, यहाँ पे आके मैटर फंस जाता है कि जहाँ पे 6 हो वहाँ पे थोड़ा माइनस करके बताना क्या माइनस करते हैं तुम, तो यहाँ पे मैटर फंसता है और यहीं पे हम लोग का जो प्रॉपर ट्रिक्स है वो काम आता है। जैसे 1s का 4 होता है और 4 के वजह से बॉन्ड ऑर्डर 0, 2s में 4 अगर हो तो बॉन्ड ऑर्डर 0, तो यहाँ पे 4 के वजह से तो 0 हो जाएगा। 2s में चले गए, 2s में चले गए, 2s में दो नीचे, s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो नीचे बाकी ऊपर, दो ऊपर बाकी जितना दो बचेगा, तो दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो दो नीचे बाकी 0 बचा ऊपर बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1। देखो ये ट्रिक होते हैं कि कहीं से भी गलत नहीं होने मानते, कहीं से भी गलत नहीं होने चाहिए, ये ट्रिक होते। इससे भी एक खतरनाक ट्रिक सिखा दूंगा, लेकिन वो रिस्की होगा, रिस्क अपने ऊपर लेना, ठीक है, ये ट्रिक सीखना, इसके अलावा जो सिखा रहा हूँ उसको कंटिन्यू करना, लेकिन वो रिस्की होगा थोड़ा सा। यहाँ देखना, अगर मैं पूछा Li2+ का क्या होगा, तो Li2+ 5 होगा सर, 5 में सर 4 तो माइनस कर सकते हैं क्योंकि 4 का वैसे 0 है, तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.5। अगर मैं बात करूँ, इसको छाप लो जल्दी से, छाप लो जल्दी से, नहीं घर पे आराम से करना, समझते हुए चलो, बस बस समझते हुए चलो। यहाँ पर देखना, अगर मैं बात करूँ हीलियम 2 प्लस का तो कितने हो जाएंगे सर, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3 में से 4 माइनस कर सकते हो क्या, घंटा नहीं कर सकते, मीन्स 1s ऑर्बिटल में ही फुलफिल होगा, 1s ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो 2 नीचे 1 ऊपर, सुनना, 2 नीचे 1 ऊपर बाई 2 0.5। देखो ये दिमाग वाली चीज़ है, अच्छी ट्रिक्स है। बाकी एक और ट्रिक बताओ, ट्रिक 2, सुनना ट्रिक 2 काफ़ी फुद्दू सा ट्रिक है, इसका मैं वैल्यू ही नहीं देता हूँ, ये गड़बड़ हो ही जाता है आगे चल के। देखना ट्रिक 2 में क्या है, अगर मेरे पास N2 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अगर मेरे पास नीचे जाऊँगा जैसे 13 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे डॉट 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 करके नीचे होते, 13 कैसे होगा, 13, हाँ 13 भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करके नीचे जाऊंगा, तो ये भी 0.5 से डिक्रीज करेगा, डिक्रीज बाई 0.5। ऊपर भी जाऊंगा 15, 16, तो डिक्रीज बाई, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बाई 0.5, ठीक है। ये एक ट्रिक है, लेकिन इसका मान्यता नहीं है, क्योंकि ये गलत काम होगा, वो भी बता दूंगा, सुनना। जैसे मेरे पास एग्जांपल की नाम लूँ, ये ट्रिक लिख लेना, एग्जांपल की नाम लो, सुनना, जैसे मैं बोलूँ O2 की 16 होती है सर, तो 14 15 16, 14 का 3 होता है 15, 0.5 माइनस कर लेंगे, डिक्रीज करेगा ऊपर या नीचे कहीं भी, 0.5 माइनस करेगा, फिर 0.5 मीन्स 1 माइनस कर लेंगे 3 में से, तो 2 हो जाएगा डायरेक्ट। ये देखो O2 माइनस, O2 का 16 और एक ले लिया 17 के लिए क्या होगा, तो 14, 3 होता है 15, 16, 17, 3 टाइम्स जाना है 0.5 माइनस करके, मीन्स 1.5 माइनस करना है, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। N2 प्लस, N2 का होता है 14 प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया 13 हो गया, 13 का क्या होगा, 14 का होता है 3, 13 मीन्स 0.5 माइनस करना है 2.5। N2 माइनस कितना था 14 और एक ले लिया 15, 15 का कितना हुआ था 14 का 3, 15 का फिर 0.5 से माइनस कर लो 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आराम से बॉन्ड ऑर्डर गर्दा उड़ा सकते हैं, लेकिन ये गलत कहाँ होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ देखना 3 0.5 माइनस करेंगे 0.5 0.5 0.5, ऐसे ही जैसे ही मैं यहाँ 0.5 0.5, ये 2 हो जाएगा 0.5 0.5, ये 1 हो जाएगा, ये 9, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स पे आके ये 0 और बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। अब इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, 0.5 होगा, ठीक है, नहीं होगा, क्या होगा आखिर, तो यहाँ से ये नहीं दे पाता है आगे बढ़ के, इसलिए हम लोग को वो वाली ट्रिक याद रहनी चाहिए। बाकी ये वाली शॉर्टकट में जब हमारे पास 8 से 18 इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर एटम है, तब तक एटम नहीं मॉलिक्यूल्स है, तब तक काबिल है ये, इसके बाद वाले के लिए वो ट्रिक काफ़ी है, ठीक है। वो ट्रिक ही दिमाग में जितना जल्दी चलाओगे ना, उतना ही फास्ट कैलकुलेशन दोगे। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ
O2 16 सर, 16 में से 8 माइनस करेंगे, 8 आया सर, 8 में से 6 ऊपर 2 नीचे, तो 6 माइनस 2 बाई 2 मीन्स 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। देखो मैंने कहाँ कलम उठाया, कोई पेन नहीं उठाया। अभी सुनना, जैसे मैं पूछूं सर C2 2 माइनस, तो C2 इज 12, 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया 14, 14 के लिए 8 माइनस करेंगे 6 नीचे 0 ऊपर, 6 नीचे 0 ऊपर, तो 6 माइनस 0 बाई 2 मीन्स 3, कहाँ पेन उठाया। अब इसको कितने जल्दी कैलकुलेट करते हो ये तुम्हारे कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि मेरे कुछ बोलने के ऊपर। क्लियर है? इसमें एक्सेप्शन बॉन्ड ऑर्डर आता है CO प्लस जो कि 3.5 होता है, इसका रेंज नहीं पता चलता है जल्दी। CO प्लस ये कोबाल्ट नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कोबाल्ट है, अब यार दिमाग खसका दिया ना। कोबाल्ट किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तब ना बॉन्ड ऑर्डर होगा, कोबाल्ट अकेले बॉन्ड ऑर्डर शो कर देगा, क्या बेवकूफी है। मींस अगर मैं बोलूं सोडियम, तो सोडियम सर 11, अब सॉल्व करने का इतना जुनून मत सवार कर लेना कि सोडियम का सर 11 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3, 3 नीचे 0 ऊपर, तो 3 माइनस 0 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1.5। मैं बोलूंगा अरे ये सोडियम बॉन्ड किससे बनाया था, अब बोले ओ सर गलती हो गया। ठीक है, तो ऐसी गलतियां मत करना कि एटम का बॉन्ड ऑर्डर निकालना, किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते, कंपाउंड के बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते वो सारी चीजें मैंने बता दिया है उधर में एवरेज बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से, लेकिन किसी एटम के बॉन्ड ऑर्डर मत निकाल देना, नहीं तो इतने फंसोगे ना कि कहीं के नहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा गलती मत करना, ये गलती हो सकता है, एक्सेप्शन केस में इसको लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो मीन्स बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, या मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड नहीं मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा, कहाँ पूछा सुनना, HE2 BE2 ऐसा पूछा, चार पांच छह और भी पूछा, छोड़ देते हैं मेरे को नहीं याद है उधर में। अब पूछा इसमें से कौन से बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करते, कौन से मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करता, बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। सर जिसके बीच में जीरो बॉन्ड होंगे, जीरो बॉन्ड मीन्स बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, तो ये दो एक साथ जुड़ेगा कैसे, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर जीरो होना पूछ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो होना मांगता है सुनना, तो इसका कैलकुलेट करेंगे, H2 हाइड्रोजन का मान होता है, दो हाइड्रोजन है तो 2 हो गया इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स सर 1s में भरना है, देखना अब वो 13 14 वाला 4 3 करके चलोगे ना, तो यहां से नहीं बनेगा, ये सब क्वेश्चंस नहीं बनते उससे, जो लास्ट में मैंने ट्रिक बताया, और वही ट्रिक सारे टीचर बताते हैं, यूट्यूब खोलो देखो सारे टीचर वही ट्रिक बताते हैं। ठीक है, पट जाएगा वहां से, यहां देखना 2 बॉन्ड ऑर्डर कितने हो गए, 2 सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2। अब 2 को निकालना है तो सर 1s में जाएगा, 1s में 2 नीचे बाकी ऊपर, 2 ही है ही, तो 2 नीचे बाकी ऊपर 0 बाई 2 बॉन्ड ऑर्डर 1। HE2 प्लस, HE का 2 होता है, 2 हीलियम है, तो 2 दूनी 4 और 1 दे दिया, मींस 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना तुम लोगों को आने चाहिए, वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल मत सोचना। 3 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 नीचे 1 ऊपर बाई 2 0.5। इसका देख लेते, हीलियम 4 होता है, 4 माइनस 4 कर सकते हैं सर 0, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बॉन्डिंग में तो फिर किस बात के बॉन्ड, मींस बॉन्ड ऑर्डर 0। बेरिलियम का होता है 8, बेरिलियम का 4 होता है, 4 2 8, तो 8 माइनस 8 कर सकते हैं सर 0, मींस दीज टू डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स BE2 नॉट एग्जिस्ट। HE2 के बारे में हम लोग जानते हैं इनर्ट गैस है इसलिए नहीं बनाता है अपने साथ कंपाउंड, लेकिन BE2 भी एग्जिस्ट नहीं करता है।